नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूँ विकास। भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों के मध्य में भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश बसा है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत। अपने लाख खामियों के बावजूद भारत तेजी से विकसित कर रहा है। भारत बना है अपने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। भारत के निर्माण में इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के बीच में हृदय के समान राज्य मध्य प्रदेश बसा है। मध्य प्रदेश में विकास के अपार भंडार है। मध्य प्रदेश आज तेजी से विकसित कर रहा है। यहाँ के लोगों के सपने हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ के 1.25 लाख एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक पर एक से बढ़कर एक उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जल आसानी से प्राप्त होता है, जिससे कि विद्युत जाल अच्छा से फैल रहा है। यहाँ पर अच्छे मैन पावर भी मौजूद है और एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है, जो मध्य प्रदेश की भूमि में पर्याप्त है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर और 10 नवीन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजना 227 एकड़ में फैली है। इसका बजट 3,300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर 6,600 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नंबर 2 पर है रतमाल। यहाँ पर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। इसका बजट 75,400 करोड़ रखा गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो यहाँ पर 1.72 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एरिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट है, जिसका इसे और भी ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए यातायात की उचित सुविधा होना बहुत ही जरूरी है। रतमाल में कई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फूड इंडस्ट्री बैठाया जाएगा, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एंड फार्मा सेक्टर के साथ साथ अन्य सेक्टर को भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकार का कहना है कि इन सभी परियोजनाओं से एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईटी पार्क की 3 और 4 यूनिट को तैयार किया जा रहा है। इसमें 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मक्सी, साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरा मालवा और नर्मदापुरम में 6 नए औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार यहां पर 16,500 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे कि यहां पर मध्य प्रदेश के 33,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये सभी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में राज्य को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। इसके साथ साथ यहां के लोगों की उज्ज्वल भविष्य भी बनाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम का बिना रिफाइनरी इंडस्ट्री भी मौजूद है, जहां पर हर साल 2200 किलो टन उत्पादक क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में मध्य प्रदेश सरकार अपना पूर्ण योगदान दे रही है। अब तक इस कॉम्प्लेक्स की MMTPA कैपेसिटी 7.8 थी, जिसका विस्तार करके 11 MMTPA किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 MMTPA कैपेसिटी की एथिलीन क्रेकर कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इसकी लागत 49,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके निर्माण में 5 साल तक 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और जब ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा तब मध्य प्रदेश के 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा। गाइस, पेट्रोकेमिकल एक बहुत बड़ा उद्योग है। आप अपने आसपास जितने भी बोतल, पाइप, फर्नीचर, कंटेनर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, फार्मर उपकरण, रोड मेकर पार्ट्स आदि सभी चीजें पेट्रोकेमिकल का कमाल है। ये प्रोजेक्ट अगर सफल हुआ तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोगों का विकास नई ऊंचाई को छुएगा। जब ये उद्योग चल पड़ेगा तो यहाँ के समाज और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री के आसपास के लोगों को खुद का व्यापार करने का मौका भी मिलेगा, जैसे कि कैफे, रेस्टोरेंट, चाय चुक्कड़ आदि। अगर भारत सरकार की ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाती है तो भारत का जो विदेश मुद्रा है उसमें 20,000 करोड़ की बचत होगी और अपना देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। इन सभी परियोजनाओं का शुभारंभ 14 सितंबर 2023 को किया गया था। अब अगर इस पूरी परियोजनाओं का समरी निकाले तो इन सभी परियोजनाओं के सफल होने से टोटल 3,36,600 लोगों को जॉब मिलेगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तैयार होने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम के लिए हमारे हजारों मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा। और गाइस, ये सारे जॉब प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब अलग होते हैं जिसकी तैयारी स्टूडेंट करते हैं। यहाँ लगभग 3.5 लाख उन बच्चों को जॉब मिलेगा जो डिप्लोमा होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, आईआईटी कर रहे हैं आदि। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं वो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश और भारत सरकार की ये परियोजना मध्य प्रदेश को एक अलग दिशा में ले जाएगी। वैसे गाइस, आप कौन से स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप अपने राज्य के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट करें। एंड आई थिंक कि गाइस, आपको मध्य प्रदेश की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।